हमने रखी है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने रखी है, ये जो आने वाला श्री काल भैरव मंदिर में श्री काल भैरव मंदिर फेस्टिवल चलता है 5-6 दिन का, उसके उपलक्ष्य में रखी गई है। मंदिर के सभी सेवादारों को आज यहाँ पे बुलाया गया और उनको उनका कार्य काल जो उन्होंने कार्य करने हैं उनको वो हमने सौंपे हैं। तो आज नेशनल मीडिया डे भी है, मीडिया को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद करते हैं हम सारे डिपार्टमेंट्स का जो हर साल भैरव मंदिर में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इस बार भी हमें उम्मीद है कि हर साल की तरह इस साल भी जितना भी पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारे ट्रैफिक विभाग है, म्यूनसिपैलिटी है, डीसी ऑफिस है, ये हर साल की तरह इस साल भी हमारा पूरा सहयोग करेंगे और आने वाले भंडारे को पूरी कामयाबी दिलाएंगे। ये प्रोग्राम 30 तारीख को हमारे शुरू हो जाएंगे, पीरों फकीरों के भंडारे से शुरू होंगे। फिर उसके बाद 3 तारीख को यहाँ पे एक बाइकर्स रैली निकाली जाएगी, वो बाइकर्स रैली पूरे जम्मू क्षेत्र में घूमेगी और भगवान काल भैरव जी का गुणगान करेगी। उसके बाद उसी दिन रविवार 3 दिसंबर को शाम को यहाँ पे शिव विवाह का आयोजन किया गया है, तो भंडारे का भी आयोजन है। भंडारा अब हमारा चलता ही रहेगा 30 तारीख से, तो 4 तारीख को भी ऐसे ही रंगारंग प्रोग्राम भैरव मंदिर में चलते रहेंगे। 5 दिसंबर को भैरव मंदिर में एक मेल लगेगी जिसमें 52 बिरादरियों की मेल लगती है। दूर दूर से भक्तजन जिनके भगवान काल भैरव जी कुल देवता हैं वो आते हैं, भगवान भैरव जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उसी दिन काल भैरव अष्टमी का व्रत भी रखा जाएगा। 6 दिसंबर को भव्य भंडारा यहाँ पे होता है जो हर साल होता है, पूरा जम्मू जानता है। डेकोरेशन भी जो बाहर से हमारे कारीगर करने आते हैं वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगा। आपको यही संदेश भैरव मंदिर के तरफ से देना चाहता हूँ कि आप सभी यहाँ माथा टेकने आए, भगवान काल भैरव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और पुण्य के भागी बनें।